बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू स्कोर 24 में आपका खुश आमदीद है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान अहमद, और चैम्पियन विद वकार का शो एपिसोड नंबर 24 का आप लोग दोस्त आप यकीनन बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो इसके हवाले से आपके भाई ने दो वीक पहले भी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर की थी, और आज भी आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं और ट्रेंड न्यूज़ सुनना पसंद करते हैं रियल फैक्ट्स के साथ, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि नई आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सके। जी तो एपिसोड नंबर 24 की बात करते हैं, लेकिन इसकी बात करने से पहले एक छोटी सी बात सुन लें। आजकल जो हेडफोन्स शो का ट्रेंड चल रहा है ना वकार ज़का का, इसके हवाले से काफ़ी लोग जो है ना वो मतलब मैदान में आ रहे हैं कि भाई आप ये ना करें, ये ना करें। और एक बंदे ने तो ये खबर ब्रेक कर दी कि यार, मैं उसका नाम है शहजाद भट्टी, रावलपिंडी से उनका तल्लक है, उन्होंने ये खबर ब्रेक की लास्ट नाइट अपने YouTube चैनल पर कि भाई वकार ज़का के साथ मेरी डील हो गई है, वकार ज़का के साथ मेरी बात हो गई है, वकार ज़का हेडफोन शो आज के बाद करेंगे, लेकिन इस हवाले से नहीं करेंगे। लेकिन अभी अभी एक घंटा पहले वकार ज़का भाई ने अपने चैनल पर प्रोमो दे दिया आज के शो का, और उन दोस्तों से उन लोगों से मेरी गुजारिश है जो वकार ज़का को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रोमो देख लें वकार ज़का का, और उनके यकीनन होश ठिकाने आ जाएंगे वकार ज़का से। और मैं पहले ही प्रेडिक्ट कर चुका हूँ कि वकार ज़का नहीं भाई, इतना सीधा आदमी नहीं है कि जो ऐसे ही डर जाएगा या ऐसे ही कहेगा कि हाँ ठीक है। उसके साथ जितनी ज़िद आप लगाएंगे वो ज़िद्दी होता जाएगा, जैसा कि मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ वकार ज़का भाई को। 10 साल से मैं जानता हूँ और काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है मेरी वकार ज़का भाई के हवाले से। खैर, आपका टाइम नहीं वेस्ट करते, आपको चैम्पियन विद वकार ज़का शो एपिसोड नंबर 24 की ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, जो हालात हैं इस वक्त दुनिया के आपके सामने, लॉकडाउन होने की वजह से कराची में तकरीबन काफ़ी हद तक लॉकडाउन है, सिंध गवर्नमेंट ने भी बैन किया हुआ है, और टेक्निकल टीम के इशूज़ आ रहे हैं। बिल्कुल ये टेक्निकल टीम्स के इशू होते हैं। आप दोस्त समझते हैं कि यार टेक्निकल टीम तो कोई तल्लक नहीं इसका, और रिकॉर्डेड शो है चलाना चाहिए, लेकिन नहीं भाई, टेक्निकल टीम का होना ज़रूरी है। ये एडिटिंग सब कुछ एट दी टाइम एट दी स्पॉट होती है, तो इसके हवाले से मैं आपको ब्रेक कर रहा हूँ। आज बिल्कुल नहीं आ रहा, और नेक्स्ट वीक भी आप उम्मीद रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते, जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी मजीद अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना अपने दोस्तों का गिरदोनवा का भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।